प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में दुनिया की सबसे बड़ी टनल यानी कि अटल टनल का लोकार्पण किया। टनल के लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि रोहतांग में टनल 9.2 किलोमीटर लंबी है। ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इस टनल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति घाटी सालों भर एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है। ये समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल के बन जाने की वजह से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है और दोनों स्थलों के बीच सफर में लगने वाले समय में 4 से 5 घंटे की कमी आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। 10.5 मीटर चौड़ी इस सुरंग का फायर प्रूफ आपातकालीन निकास द्वार भी बना हुआ है। अटल टनल से रोजाना 3,000 कारें और 1,500 ट्रक 80 किलोमीटर की स्पीड से निकल सकेंगे। इतना ही नहीं, ये टनल सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सेना का भी सुगम आवागमन हो पाएगा। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब से आपने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली है, बराबर इस अटल टनल रोहतांग के बारे में आपने चिंता की है, आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, जानकारी हासिल करते रहे कि क्या प्रगति है, और आपने इसकी विशेष चिंता की कि समय से यह टनल पूरा हो जाए। तो आपके इस इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने, अन्य कर्मियों ने, और उनके साथ जो अन्य एजेंसीज काम कर रही थी, उन्होंने जितनी तत्परता के साथ काम किया है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और उन एजेंसियों के काम करने वाले लोग सचमुच काम करते समय जिंदगी और मौत का वह खेल खेलते हैं, जिंदगी हथेली पर लेकर वह काम करते हैं। और सबसे बड़ा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है कि सामान्यतः हमने देखा होगा कोई प्रोजेक्ट होता है, कुछ समय के बाद उसकी प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट कास्ट पहले से निर्धारित थी, उसी प्रोजेक्ट कास्ट के अंतर्गत ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम को पूरा किया है। इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का दशकों पुराना इंतजार भी खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है।
और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था, यहां के पहाड़ों यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना, और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे, और जैसा अटल जी का विशेषता थी, वो बड़ी आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं, फिर मुंडी हिला देते थे हाँ भाई, लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया, और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बेहद खास, इस टनल के बन जाने से सामाजिक, आर्थिक और सामरिक कई तरह के फायदे होंगे। गौरतलब है कि रोहतांग दर्रे के नीचे इसके बनने का फैसला 3 जून 2000 को किया गया था। इसकी आधारशिला 26 मई 2020 को रखी गई थी, जो कि अब जाकर देश के लिए समर्पित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।